आज क्रिकेट के इतिहास के पन्नों से निकली एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी जिस पर लगा था कत्ल का इल्जाम और फिर फांसी पर चढ़ा दिया गया था वो क्रिकेटर। कत्ल का, मर्डर का आरोप कई क्रिकेटर्स पर चला है, उन पर बाकायदा केस तक चले हैं अदालत में। इस लिस्ट में खालिद लतीफ हैं, जिन पर एक डच सांसद के मर्डर के लिए उकसाने का आरोप था। अपने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी 1988 में एक रोड रेज के मामले का केस सालों तक चला। और मॉन्टेक ड्रुइड भी है, जो आपराधिक क्रिकेटर के तौर पर कुख्यात रहे। तो इन सब क्रिकेटर्स पर हत्या के आरोप लगे, लेकिन एक क्रिकेटर ऐसा है जिस पर मर्डर का इल्जाम अदालत में साबित हो गया, और वो अकेला टेस्ट क्रिकेटर है जिसकी मौत फांसी की सजा मिलने से हुई। ये क्रिकेटर थे वेस्ट इंडीज के फास्ट बोलर लेस्ली हिल्टन, जिन्होंने 1934 से लेकर 1939 तक वेस्ट इंडीज के लिए 6 टेस्ट मैच खेले थे और 16 विकेट भी लिए थे। लेस्ली हिल्टन पर आरोप लगा था अपनी पत्नी की हत्या का। कोर्ट में ये आरोप उन पर साबित भी हुआ और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और उसके बाद 1955 में लेस्ली हिल्टन को किंगस्टन में फांसी भी दे दी गई। लेकिन पूरी कहानी क्या थी, हुआ क्या था? 29 मार्च 1905 को एक गरीब परिवार में जन्मे थे लेस्ली हिल्टन। बचपन में माता पिता की मौत हो गई, बड़ी बहन ने पाला, पढ़ाई छूटी और छोटी उम्र में ही एक टेलर की दुकान पर नौकरी की। बड़े हुए तो डॉक पर मजदूर बन गए, लेकिन जुनून था क्रिकेट खेलने का। किस्मत चमकी और आखिरकार वो जमैका की टीम में चुने गए एक ऑलराउंडर के तौर पर। 1926 से 1939 तक लेस्ली हिल्टन ने कुल 40 फर्स्ट क्लास मैच खेले। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लेस्ली हिल्टन का परफॉर्मेंस शानदार था, और 1935 में इंग्लैंड के विरुद्ध सीरीज में जब वेस्ट इंडीज की टीम चुनी जा रही थी, तो लेस्ली को भी बतौर फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला मौका मिला। इसके बाद वेस्ट इंडीज का टेस्ट खेलना रुका और वो नजरअंदाज भी हुए। इसके 4 साल बाद 1939 में वो फिर से टेस्ट टीम में आए और बतौर फास्ट बॉलर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलने फिर से गए। लेकिन तब तक उनका बतौर फास्ट बॉलर बेहतर दौर बीत चुका था। वापस लौटकर लेस्ली हिल्टन रिटायर हो गए। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के जानकार मानते हैं कि वो 6 से ज्यादा टेस्ट खेलने के हकदार थे, अच्छे खिलाड़ी थे। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, लेस्ली हिल्टन की पर्सनल लाइफ। लेस्ली को जमैका के एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी लुलाइन रोज से प्यार हो गया। वो बड़े और अमीर घर की थी। 1942 में दोनों की शादी हुई और एक बेटा भी हुआ, लेकिन शुरुआत से ही दोनों के संबंध बिगड़ते रहे। पत्नी फैशन डिजाइनर थी और अक्सर काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाती थी। इसीलिए 1951 में लेस्ली हिल्टन बच्चे की देखरेख के लिए लुरलाइन की मां के घर में ही शिफ्ट हो गए, ताकि वो बच्चे की देखरेख कर सके। फिर 1954 में हिल्टन को न्यूयॉर्क से एक चिट्ठी मिली, जिसमें उनकी पत्नी के रॉय फ्रांसिस नाम के किसी व्यक्ति से संबंध का जिक्र था, और यही मुद्दा दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी दरार की वजह बना। हालांकि लेस्ली की पत्नी ने माफी मांगी अपने अफेयर के लिए, लेकिन लेस्ली का शक कभी दूर नहीं हुआ। आखिर में लेस्ली के हाथ एक लव लेटर भी आया। इसी खत को लेकर दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि लेस्ली ने अपना रिवॉल्वर निकालकर अपनी पत्नी पर 7 गोलियां दाग दी। इसके बाद लेस्ली ने खुद ही पुलिस को फोन करके इस घटना की जानकारी भी दी। अक्टूबर 1954 में कोर्ट में केस शुरू हुआ। जमैका की टीम में उनके कैप्टन विवियन ब्लेक थे और वो ही उनके वकील बने। उनके साथ वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के मेंबर नोएल नेथरसोल भी थे। मगर प्रोफेशनल वकील न होने की वजह से लेस्ली हिल्टन का केस पहले दिन से ही कोर्ट में बहुत कमजोर साबित हुआ। उनके वकील ये तक साबित नहीं कर सके कि इस झगड़े की शुरुआत उस लव लेटर से हुई थी, और उकसावे में आकर, गुस्से में आकर लेस्ली हिल्टन ने गोली चलाई थी। अगर इतना साबित होता तो शायद उन्हें फांसी की सजा न मिलती। 20 अक्टूबर 1954 को जूरी ने उन्हें हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। बाद में जमैका के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले के विरुद्ध अपील खारिज कर दी, और 17 मई 1955 की सुबह सेंट कैथरीन डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर लेस्ली को फांसी पर लटका दिया गया और जेल कॉम्प्लेक्स में ही दफना दिया। उस दौर में माना गया कि लेस्ली हिल्टन ने क्रिकेट को बदनाम कर दिया। यहां तक कि 1956 में जब विजडन ने उनकी मौत की खबर छापी, तो ये नहीं लिखा कि उनकी मौत हुई कैसे। लेस्ली की मौत की चर्चा क्रिकेट में कम, क्रिकेट के बाहर ज्यादा हुई। लीगल कम्युनिटी ने इसे अन्याय माना।
फांसी के दो साल बाद जमैका में उकसावे में अपराध का अलग से कानून में जिक्र हुआ ताकि ये तय किया जा सके कि जो अपराध हुआ वो इरादतन नहीं था। तो फांसी पर चढ़े दुनिया के इकलौते टेस्ट क्रिकेटर, इनका जिक्र वेस्टइंडीज क्रिकेट में बहुत कम होता है क्योंकि एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसका कोई क्रिकेटर या फिर कोई भी इंसान बराबरी नहीं करना चाहेगा।